सांबा के बसंतर नदी में अवैध खनन का सिलसिला जारी है। इसके अलावा वहां पर जिन लोगों ने भी खनन करने का ठेका ले रखा है, वह भी लोगों से निर्धारित रेट से अधिक पैसे वसूल रहे हैं। इसको लेकर ना तो जिला प्रशासन और ना ही संबंधित अधिकारी कोई कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि गरीब आदमी के लिए घर बनाना नाकों तले चने चबाने सामान हो गया है। गरीब के लिए रेत बजरी पत्थर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। जो मटेरियल 1500 में आता था, आज 3000 में लेना पड़ रहा है। ऐसे में एक गरीब आदमी कैसे घर बना पाए? वही संबंधित विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट्स तय कर रखे हैं। अगर कोई इससे ज़्यादा पैसे लेता है तो लोग इसकी शिकायत कर सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो गैर कानूनी रूप से खनन कर रहे हैं या फिर निर्धारित रेट से अधिक पैसे वसूल रहे हैं। ऑफिसर तक इसको लागू करने में नाकाम रहे हैं और आज भी लोगों से मनमर्जी दाम वसूले जा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात ये इसमें आती है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो अप्रूवल देती है, जो रेट तय करती है और जो एनजीटी मानक तय करती है, कोई भी इस पर खतरा नहीं उतर रहा। और माफिया कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में, आप जम्मू प्रोविंस की खासकर बात किया जाए, जो माइनिंग है हमारे जम्मू प्रोविंस से होती है और दिन प्रतिदिन लोगों में इसका रोष बना हुआ है और एक बहुत बड़ी जद्दोजहद खड़ी हो गई इस माइनिंग माफिया के। लगातार लोग चिल्ला रहे हैं आपके माध्यम से, आप भी हर इशू को टाइम टू टाइम उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है और बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। लेकिन जाएं, जनता किससे पूछे, कोई जवाबदेही नहीं है। गवर्नर साहब के पास आम लोग पहुँच नहीं सकते। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक दिन जाता है, एक पुलिस वाले बिठा दिए थे और दूसरी तरफ देखा जाए तो वहाँ भी गुंडा राज चल रहा है। और दोनों की तरफ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मिली भगत कहीं ना कहीं माइनिंग डिपार्टमेंट की हो, इंडस्ट्री जो छोटी मोटी चलती है वो इससे त्रस्त है, और जो लोगों ने छोटे छोटे अपने जो इंदिरा आवास योजना, जो आवास के तहत घर बनाने हैं या कोई स्कीमें हैं, उनमें लोगों का क्या हाल होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 3200 रुपया एक ट्राली का मिल रहा है, 2700 रुपया रेत मिल रही है, पत्थर कहीं मिल नहीं पा रहा, और महंगाई ने आगे लोगों की कमर तोड़ी और इस माइनिंग ने पूरे प्रदेश भर में लोगों को अपने घर क्या कुछ भी बनाने के काबिल नहीं छोड़ा है। माइनिंग विभाग अगर अपनी सफाई पेश कर रहा है तो लगातार क्यों लोगों को हरास किया जा रहा है? लगातार अगर बेचारे जो टिप्पर चालक भी देखे जाएं, उनको भी हरास किया जा रहा है। लोगों को सही दाम क्यों नहीं मिल रहे? माइनिंग माफिया अपनी साख बचाने में कहीं ना कहीं नाकाम रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उनसे खौफ खाती है, क्योंकि उनकी जो पहुँच है वो बहुत दूर तक है, जहाँ डायरेक्टर के लेकर चीफ सेक्रेटरी तक उनकी पहुँच है। ये हिस्सा यहाँ नहीं बनता है, ये हिस्सा पूरे सेक्रेटरेट तक जाता है, तब इन लोगों को इतना दिल बड़ा हुआ है। और पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, कोई ना कोई इसके पीछे बहुत बड़ा, हमारे प्रदेश में कभी किसी ने सुना ही नहीं था, जम्मू कश्मीर माइनिंग संपन्न एक राज्य हुआ करता था और आज के दिन में लोगों की, लोग अपने आप को एक इतना कहीं ना कहीं धोखे में आ गए हैं कि जम्मू में, प्रदेश भर में माइनिंग का एक माइनिंग माफिया का राज चल पड़ा है। देखिए, अगर कोई भी बंदा जो एडमिनिस्ट्रेशन ने रेट फिक्स किए हो उससे ज़्यादा रेट चार्ज करता है, वो लोग लिखित में हमें या टेलीफोनिकली या डिस्ट्रिक्ट जो कंट्रोल रूम, माइनिंग का कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया हो, उसमें रिपोर्ट करेंगे, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। मैं आपके माध्यम से जनरल पब्लिक को ये बता देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स बनी हुई है, जो कि इन प्लेस हैं, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत बनी हुई है। उसमें यह है कि अगर माइनिंग के रिलेटेड कोई भी इशू जो है, वो मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स जो है वो उसको सर अंजाम देती है। अगर कहीं पर भी परेशानी आती है तो वो मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स, जिसमें रेवेन्यू के ऑफिसर्स रहते हैं, पुलिस के ऑफिसर्स रहते हैं, फॉरेस्ट के रहते हैं, इरीगेशन फ्लड कंट्रोल के रहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन के लोग रहते हैं, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो वो एक मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है और हर एक तहसील लेवल पे भी प्लेस है, और वो अपने कंसर्न तहसीलदार साहिबान को, एसएचओ साहिबान को या जो बाकी अफसर हैं उनको जब वो करेंगे तो वो उनकी हर वीकली, उनकी एक पिछले दिनों में डीसी साहिबा ने एक प्रॉपर उनको एक्टिवेट करके एक मीटिंग की थी सारे डिस्ट्रिक्ट में, तो वो वीकली उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे पास सबमिट होती हैं, जिसे हम गवर्नमेंट को भी अप्राइज करते हैं और लोगों की परेशानी को भी निपटारा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से रेट्स फिक्स किए हैं आपने, लेकिन इसमें जो माइनिंग माफिया, आप कह सकते हैं कि जो नेक्सस बनाकर बैठे हुआ, वो आपकी ये रेट्स नहीं मानता और लगातार लोगों को हरास कर रहा है कि आप ये रेट देंगे तो हम आपको मटेरियल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, क्या लगता है इसमें आपको भी नहीं सुना जा रहा? देखिए, इसमें क्या है, मैं आपको आपके माध्यम से जनरल पब्लिक को एक चीज़ के बारे में बता दूं, वो ये है कि जो माइनर मिनरल है, जितना भी
चाहे वो सैंड है, बजरी है, पत्थर है या मिट्टी है, जो हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसका एक लीगल सोर्स होना ज़रूरी है। तो लीगल सोर्स हमारे पास ऑक्शन ब्लॉक है, ऑक्शन ब्लॉक से लेंगे। उसके बाद जो दूसरा सोर्स है वो है हमारे पास क्रशर यूनिट्स। तो वहाँ पे ऑक्शन ब्लॉक वाला या क्रशर यूनिट वाला कहीं पे जो रेट्स जो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रेट अप्रूव किए हैं उससे ज़्यादा देता है, आप तुरंत हमें बताएं, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पे बताएं या हमें डायरेक्ट बताएं, कंसर्न अपने SDM साहिबान को बताएंगे, जिस किसी को भी बताएंगे उस पर तुरंत कार्रवाई हो। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से NGT के अगर लॉज को लेकर बात करें तो उसकी भी वायोलेशन की जा रही है, जो क्राइटेरिया सेट किया है उसके बाद भी लगातार GCB मशीन जो वो बहते पानी में सारा मटेरियल निकालती है, वाटर बॉडीज को भी खतरा है इसमें? देखिए, मैं इसमें आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट जो है वो अजहद ये कोशिश कर रहा है। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defense Road, Pathankot. GK Update. Update rahe hamare saath. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 705-109-1811।